नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वसई पश्चिम डीमार्ट मॉल में गुड़ के अंदर मिली मरी हुई चिपकली, ग्राहक हुआ भयभीत, उठने लगे सवाल जिम्मेदार है कौन। आजकल हम सभी हर प्रकार की शॉपिंग के लिए डीमार्ट जाना पसंद करते हैं और विशेषकर राशन के सामान पर मिलने वाली छूट के कारण अक्सर लोग पूरे महीने का राशन डीमार्ट से ही खरीद करते हैं। डीमार्ट से अक्सर ग्राहक संतुष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अभी जो घटना सामने आई है उससे ग्राहकों में थोड़ा भय दिखाई देने लगा है। दरअसल हाल ही में 13 जून को वसई पश्चिम बाबोला स्थित डीमार्ट से एक ग्राहक ने घर का राशन का सामान खरीदा, जिसमें किंजल कंपनी का पैकिंग गुड़ भी था। ग्राहक ने डीमार्ट में हुए बिल का भुगतान किया और अपने घर चला गया। घर जाकर ग्राहक को उस समय तगड़ा झटका लगा जब ग्राहक ने उस गुड़ के पैकेट को खोला तो उसमें मरकर सूख चुकी चिपकली निकली, जिसके बाद उस ग्राहक ने इस मामले की शिकायत शिवसेना स्थानिक विभाग प्रमुख नरेश पुलीपाटी के समक्ष की। शिवसेना ने मामले में दखल देते हुए शिवसेना वसई विधानसभा संगठक विनायक निकम, महिला जिला संगठक किरण चंद्रनकर, विभाग प्रमुख नरेश पुलीपाटी सहित अनेक कार्यकर्ता के साथ डीमार्ट मॉल के कार्यालय पहुंच मॉल के मैनेजर सुनील शिंदे से घटना का स्पष्टीकरण मांगा। तब डीमार्ट के मौजूदा मैनेजर ने इस घटना हेतु गुड़ बनाने वाली कंपनी किंजल कंपनी से बात करने की बात कहते हुए भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की बात कही। अंत में विनायक निगम ने डीमार्ट व्यवस्थापन को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर शिवसेना अपने अंदाज में जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।